हाय गाइज़ मैं सुरभिया और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है तो वेलकम गाइज़ कैसे हैं आप सब और आज भी आपके लिए कई गोल्डन फेशियल जो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं तो होममेड तरीके तो से वो भी तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपके लिए कही हूँ स्टेप बाय स्टेप और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और बेलाइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी कुकिंग है क्राफ्टिंग है मतलब एक चैनल पे आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी टिप्स तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेट्स स्टार्ट दिस क्रिएटिव स्टेप वन में हम अपना फेस पहले क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के लिए मैंने कच्चा दूध का यूज़ किया है एकदम जो आया था उसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया था कॉटन की सहायता से मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो ये एक दूध जो है कच्चा एक प्राकृतिक स्किन क्लींजर है तो इसको आप अगर मतलब मेरा अगर कहना है कि अगर आप फेशियल नहीं भी करते हैं तो आप डेली आप अपने फेस को इससे क्लीन कर सकते हैं इससे आपका फेस जो है एकदम दिन ब दिन निखार ही आएगा और जो डस्ट फिर रहता है इससे तो कोई भी डस्ट होगी वो आपके फ़ेस पर नहीं लगेगी और इससे बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है तो देखिए थोड़ी सी कॉटन गंदी हो गई है जो मेरे फेस पर डस्ट थी वो अब कॉटन पे आ गई है तो बहुत ही अच्छा क्लेंज़र है आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर तो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है तो मैं अपनी आइस को भी और नोज़ के पास जो अपने निक को भी एकदम क्लीन कर लूँगी तो देखिए थोड़ा सा गंदा निक भी थी तो वो भी क्लीन हो जाएगी उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप में हमने यूज़ किया है स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए हमने जो लिया है शुगर हनी और लेमन ये तीन चीज़ का यूज़ किया है और आप आपस में मिक्स करके और मैं स्क्रबिंग करूँगी स्क्रबिंग जो चेहरे पे करते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं वो बाहर आसानी से निकल जाते हैं इसे हल्के हाथों से अपने फेस पे अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा रहता है अपने फ़ेस के लिए एकदम सॉफ्ट भी होता है तो बिल्कुल मैंने दोनों हाथों से अपने अप्लाई कर रही हूँ तो हल्के हाथों से तो जो शुगर है वो मेल्ट हो रही है तो और इससे बहुत ही अच्छा है होम मेड है इससे कोई भी आपके फेस को नुकसान नहीं होगा और बल्कि प्राकृतिक है तो अंदर ही से अपने आप अच्छे से निखार आता है जो क्या होता है एक एच के बाद निखार डाउन होने लगता है तो वो खिलने लगेगा स्टेप थ्री उसमें मैंने एक बड़े बाउल में एक गरम एकदम गरम पानी है ये, इसको लिया था अब इसको हम स्टिंग करेंगे अपने फेस को ये बहुत ही अच्छा स्टिंग करने का तरीका है इससे अंदर से निखार आता है फेस पर तो देखिए मैंने इसे पाँच मिनट के लिए रखा था और फेस पर अंदर से जो डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएंगे क्लीन भी हो गया है और स्टिन करने से अंदर से निखार आया है अब फोर्थ स्टेप में हम फेस पैक बनाएंगे फेस पैक के लिए मैंने यूज़ किया है हल्दी और शहद और हल्दी शहद को मैंने अच्छे से मिक्स करके फ़ेस पैक बनाया है इसे हल्दी पाउडर जो लिया है मैंने आप अगर चाहें तो जैसे बाज़ार की हल्दी आती है पीसी हुई पाउडर की आप उसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने जो साबुत हल्दी की गांठ आती है मैंने उसको अच्छे से पीस के फिर उसका पाउडर बनाया है इससे क्या हुआ था अगर कभी कभी क्या होता है हम बाज़ार से हल्दी खरीदते हैं तो उसमें कभी कलर मिले आते हैं तो हमारा फ़ेस पीलापन लगता है अगर आप साबुत हल्दी को पीस के करें फेस पैक बनाएं हनी डाल के तो बहुत ही अच्छा फ़ेस पैक है तो इससे पीलापन पन नहीं दिखता लेकिन हाँ गोल्डन फेशियल का आपका जो शाइनिंग एकदम ग्लो बहुत अच्छा आता है तो देखिए मैंने पूरे फेस पे अप्लाई किया है पंद्रह मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने रख दिया है अब पंद्रह मिनट बाद हो गए हैं अब मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ अपने फेस को तो ये देखिए मैंने फेस करने के बाद वॉश हो गया है तो कितना क्लीन हो गया है मेरा चेहरा एकदम क्लीन शाइनिंग तो मेरा गोल्डन फेशियल बिल्कुल तैयार है हम किसी भी ओकेज़न शादी में जाने के लिए कोई फेशियल बाहर से करवानी नहीं है तो हमने ऐट होम अपने घर पे ही किया है तो शादी का ओकेशन है तो आप अपने घर पे ही फेशियल कीजिए और वो भी होम मेड तरीके से तो देखिए मेरे चेहरे पे बिल्कुल शाइनिंग आ गई है तो अगर आपको भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो से गुड बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में